नमस्कार तो स्टूडेंट्स फिज़िक्स में एक बार फिर आज हम लोग एक न्यूमेरिकल पर डिस्कस करेंगे एन का ही ये न्यूमेरिकल है इसे आप अच्छी तरह से देखिए प्रायः देखा गया है कि ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है तो इस न्यूमेरिकल को देखें आप ध्यान से और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें न्यूमेरिकल्स बनाने का जिससे कि आपका जो है कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होगा ये क्वेश्चन देखिए ऑब्जेक्ट ऑफ साइज सेवन सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट ट्वेंटी सेवन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मीर ये क्वेश्चन इस प्रकार से है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज सेवन सेंटीमीटर गिभन है हम लोगों को हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर एच ओ एच ओ मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इस प्लेस एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर यानी कि ये यू है और इन फ्रंट ऑफ मिरर इसलिए नेगेटिव साइन लेंगे माइनस ट्वेंटी सेंटीमीटर उसके बाद और फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर फोकल लेंथ कॉन्केव मिरर है कॉन्केव मिरर है इसलिए फोकल लेंथ इसका नेगेटिव लेंगे माइनस एटीन सेंटीमीटर उसके बाद कहता है कि एट एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड स्क्रीन कहाँ रखा जाए क्योंकि उसका इमेज हमको स्क्रीन पर ही प्राप्त करना है इसलिए स्क्रीन इस कहाँ रखा जाए ये ऐसे ही दिया हुआ है आपको सिर्फ इमेज डिस्टेंस फाइंड करना है तो हम लोगों को निकालना है v इज इक्वल टू व्हाट और सो दैट द शार्प फोकस्ड इमेज कैन बी ऑब्टेंड फाइन द साइज एंड नेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज और नेचर तो हम लोगों को निकालना है साइज ऑफ द इमेज एंड नेचर ऑफ द इमेज ये हमारे पास डेटा मौजूद है इससे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम लोग यूजिंग मिरर फॉर्मूला मिरर फार्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे और मिरर फॉर्मूला होता है वन बाई एफ इजिकवल टू वन बाई भी प्लस वन बाई यू जहाँ पर एफ फोकल लेंथ भी इमेज डिस्टेंस और यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट एम्प्लाइज वन बाई एफ एफ हमको माइनस एटीन दिया हुआ है इक्वल टू वन बाई भी ये निकालना है प्लस वन बाई यू यू माइनस ट्वेंटी सेवन तेर फोर वन बाई भी इज इक्वल टू हो गया माइनस वन बाई एटीन और ये माइनस ट्वेंटी सेवन इस तरफ आके प्लस हो जाएगा प्लस वन बाय ट्वेंटी सेवन इसका एल्सियम लेंगे हम लोग तो इसका एल्सियम आ जाएगा फिफ्टी फोर एटीन थ्री माइनस थ्री और प्लस ट्वेंटी सेवन टू तो ये आ जाता है वन बाई वी डेट इम्प्लाईज वन बाई भी इज इक्वल टू माइनस वन बाय माइनस वन बाय फिफ्टी फोर देयर फोर वी इज इक्वल टू माइनस फिफ्टी फोर सेंटीमीटर यानी कि द इमेज द इमेज विल बी फॉर्म्ड at a distance of fifty-four centimeter in front of in front of the mirror. और ये negative साइन इसका ये बतला रहा है कि इमेज का नेचर रियल होगा और वो इन्वर्टेड होगा तो नेचर भी हम लोगों को पता चल गया इसका नेचर इज इक्वल टू ये रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा ही उल्टा उल्टा बनेगा इरेक्ट होता तो प्लस में आता इन्वर्टेड है तो माइनस में आएगा अब हम लोगों को निकालना है उसका साइज तो साइज के लिए हम लोग चलेंगे सिंस मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस भी बाई यू तो हम लोग यूज करते हैं एच आई एच आई हमको फाइंड करना है एच आई बाई एच ओ एच ओ इज इक्वल टू सेवन सेंटीमीटर इज इक्वल टू माइनस भी वी हमारा निकला है माइनस फिफ्टी फोर और बाय यू यू है माइनस ट्वेंटी सेवन माइनस माइनस प्लस कर देते हैं ये 27 से कैंसिल होके 2 हो जाएगा देयर फोर एच आई इज इक्वल टू ये सेवन और ये 2 मल्टीप्लाई होके माइनस फोर्टीन सेंटीमीटर यहाँ पर भी देखिए ये नेगेटिव साइन है नेगेटिव साइन बतला रहा है कि हाइट हम लोग किसी भी इमेज का हाइट नीचे अगर आ रहा है यानी कि अगर वो इमेज ये ये अगर मिरर है और अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ रखे हुए हैं और इमेज अगर नीचे उसका बन रहा हो तभी ये निगेटिव में आएगा इसका मतलब है कि ये निगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वो इन्वर्टेड होगा उल्टा होगा तो यहाँ से इससे भी हम लोग नेचर बता सकते हैं उसका कि नेचर उसका इन्वर्टेड होगा और इन्वर्टेड अगर है तो रियल ही होगा तो रियल एंड इन्वर्टेड और उसका साइज 14 सेंटीमीटर हो जाएगा ये था न्यूमेरिकल बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए जिससे कि आपका कंसेप्शन और बेटर होता जाए आज इतना है अगले वीडियो में फिर हम लोग किसी न्यूमेरिकल या किसी थ्योरी पर चलेंगे जय हिंद जय भारत